हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। मैं किसी तरह का र्यूमर नहीं फैला रही हूँ, लेकिन शाम में मुझे एक ऑडियो और एक वीडियो रिसीव हुआ है, जिससे कि मैं ये सोच में पड़ गई हूँ कि क्या सच में शिव पुराण में इस तरह की जो कोरोना वायरस जैसी आपदाएं जो सामने दिख रही हैं हमें, जिसकी वजह से पूरी मानव जाति परेशान हो उठी है, तो इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है। अगर जो भी लोग जो काव्य जो संस्कृत के अच्छे जानकार हैं, जो कि पुराणों में वेदों में जिनकी अच्छी पकड़ है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या ये सच है या नहीं है। इसकी सारे वर्डिंग्स आप पढ़िए और सारे वर्डिंग्स आपको यही बात बताते हैं कि चीन देश से ही निकला है, या फिर बहुत सारे वर्ड्स आपको सही में को रिलेट कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो क्लिप को ज़रूर देखिए कि ये जो कोरोना वायरस का शुरुआत है, जो कि शिव पुराण में बहुत पहले ही लिखा गया है, इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसके पीछे। ओम त्वम करुणावतारोसि कोरोनाख्य विषाणुदृक् रुद्ररूपश्च संहर्ता भक्तानाम भयंकरः मृत्युंजय महादेव कोरोनाख्याद् विषाणुतः मृत्योरपि महामृत्यो पाहि मां शरणागता। मांसाहारात् समुत्पन्नान् जगत्संहारकारकात् करुणाख्याद् विषाणोर्मां रक्ष रक्ष महेश्वरः। चीनदेशे जनिं लब्ध्वा भूमो विश्वप्रसर्पतः जनातंकाद् विषाणोर्मां सर्वतः पाहि शंकरः। बालकृष्णः स्मरंस्त्वां वैकालकूटं न्यपादहो न ममाराभर्कः शंभो ततस्त्वां शरणं गतः। समुद्रमथनोद्भूतात् कालकूटाच्च बिभ्यतः त्वय्येव रक्षिता देवा दीव दीव जगत्पते।